कैब गैंग वालों, तुम क्या जानो पांच पांच उंगलियों से खेलने वाले पबजी प्लेयर वालों की ताकत। एक पबजी प्लेयर की आन बान शान होती है पांच पांच उंगलियां। आज मैं तुमको ऐसा फाइव फिंगर ग्रिप दिखाऊंगा ना, उसके बाद तुम बोलोगे अरे ऐसी तैसी बाकी उंगलियों की हम तो फाइव फिंगर प्लेयर बनेंगे। अगर तुम चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, नोटिफिकेशन बेल के साथ। आज हम देखने वाले जेमू गेमिंग को। अब भाई ये जो जेमू भैया है ना, ये है कतई फाइव फिंगर एक्सपर्ट। ठीक है, ये जब तक तुम देखोगे इसका गेम प्ले, जहां जहां तक देखोगे ये पांच उंगलियों से खेलता आया है भाई। और उतरते भाई इसको मिलिए M24, ऐसा डेंजरस लेवल का रश करता है ना भाई साहब। तुम अभी ये जो गेम प्ले देखोगे उसके बाद बोलोगे यार ये सब ताकतें थ्री फिंगर फोर फिंगर वालों के पास तो नहीं है भाई, फाइव फिंगर ही खेलना पड़ेगा। अब यहां पर ही उतरे मैं इसको, इसके बाद इसका कंट्रोल सेंसिटिविटी भी दिखा दूंगा तो वो भी तुम्हारे काम आने वाला है। ओके भाई, एक तो ये गन, ये नई गन पबजी में जो आई है, ये अकेली ऐसी गन है ना जिससे मेरे को इतनी खुंदक आती है। क्या है ये सस्ती स्कारल अपने आप इतनी गंदी है, तुम उसका भी सस्ता वर्जन निकाल दो। झूपड़ी गन भाई साहब, क्या है ये, कतई स्कारल की छोटा भाई नहीं लगता है जो पढ़ता लिखता नहीं, बस पूरे दिन आवारा गर्दी करता है। जो थप्पड़ मार के कान के नीचे ऐसे गनों को चुप बैठा देना चाहिए कहीं पे भाई। ओके, अब यहाँ पे भाई ये डबल ग्लेशियर लेके जा रहा है, सामने से ओला आ रही है, ये मारा स्प्रे उठा करके गाड़ी आके मुंह पे ठोक दी भाई भाई भाई। हैवी ड्राइवर का सही ड्राइवर तो उतरा ही नहीं, उसने कह रहे मेरी तो ओला कैब है, मेरे को तो अगले पैसेंजर को ले जाना है। मैं नहीं उतर रहा भाई, मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं तो यहीं मरूंगा, लड़ना वड़ना नहीं है मेरे को, मेरे को अगला पैसेंजर ले। ओ एनिमीज को लग रहा था कि वो गाड़ी उड़ा देगा, इन दोनों को उड़ा देगा तो कूद गए, बट उन्हें पता ही नहीं चला ये उतर के मारने लग गया उन्हें। अरे भाई साहब, भाई तुम साथ में हैंड कैम पे देख सकते हो कि भाई इसका हैंड कैम कैसे चलता है बे। सामने एक प्लेयर ओपन में है, अरे वो स्प्रे मार देगा, अरे ऊपर से छुप क्यों रहा है वो। अबे इसने गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी है, तो कुछ ज्यादा डेयरिंग है भाई। ये जो एनिमी था ना गाइस, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसने पबजी खेलना ही आज चालू किया है, उसको बेसिक कंट्रोल ही नहीं पता था क्या करने गेम में ना, उसने टीपी की लेके इसको मारने की कोशिश करी, जब उसने गाड़ी चलाई ना वो गाड़ी से उतरा तब मारने की कोशिश करी, बाद में M249 चला रहा है, एम आसमान में जा रहा है। टाइगर नजरूल, टाइगर अभी जिंदा नहीं है दोस्त, उड़ा दिया टाइगर, ये गया। अरे भाई साहब सामने बंदा आया पत्थर के पास, अरे पत्थर वाले को तो मारा नहीं, किसी सांप को लग मार रहा है, क्या स्कैम चल रहा है भाई जीमो भाई आपका। वो गुटका धरी नागे आपको दिखा कैसे, अरे भाई वो प्लेयर को शिटॉन दे दिया, अरे मुंह पे इसने, वो तो गलत खा गया दोस्त। ओके विक्टर भैया, यहाँ पर एक प्लेयर नॉक, टीममेट भी नीचे से आने वाले, उसको फिनिश किया। गोल्डन स्कार ले रहे उसके पास, गोल्डन स्कार बहुत रेयर और अच्छी स्किन है, मेरे पास भी बहुत मजेदार स्किन है सही बताऊं तो, अलग ही वाइब है भाई उसकी। एक गोल्डन M416 आनी चाहिए गेम में यार, मजा आ जाता, पता नहीं है कि नहीं, शायद से है, शायद से मेरे पे नहीं है, बहुत रेयर है वो भी। क्या पे ब्राइट शाइन फुटस्टेप आ रहे हैं, जेमू भैया रश कर रहे हैं अपनी AKM लेकर के, प्लेयर एक पीछे कूदा टीपी भी लिया उसने, भाई साहब ये बहुत तोड़ था भाई, बंदे ने जो टीपी भी लिया ना वहां पे मारने की कोशिश उसने अच्छी करी, लेकिन जेमू भैया हमारी पांच उंगलियों के यू नो ताकत से बच गए। यहाँ पे हेल्थ किट मार रहा है, सामने और एक प्लेयर है तो आई गेस नीचे से जा रहा है। ओके एंगल बनाते हुए जा रहे हमारे भैया, गया कहाँ वो, ये आईला जादू गुम हो गया वो। अबे नहीं रिवाइव दे रहा है, अरे वो रिवाइव दे रहा है बाहर आकर के नूबड़ी का, अरे अरे बाबू भैया। अब ये वेट कर रहा है कि इसका टीममेट कूदेगा ऊपर से नीचे बचाने के लिए, बट नहीं कूदा वो भी। अरे अरे बहुत शाना है भाई, चुपचाप बैठ के रिवाइव रिवाइव दे दे तब जल्दी से छुपके छुपके से, अब कूदा बाहर वो, तब से छुपा हुआ था ऊपर, क्या चाह रहे पता नहीं यार, वो तो भाग रहा है, वो तो अपना माइनस ना पड़ जाए, माइनस 50 का थप्पड़ ना पड़ जाए, इसलिए भाग रहा है शायद वो, आएगा शायद से, अभी वन वन लेगा, आया भाई साहब लेकिन इसे जंप करके दे दिया भाई उसको, सामने प्लेयर गन मिली उसको नॉक किया AKM से। ओ पुराने से किल चुराने की कोशिश कर रहा है, सामने प्लेयर भाग के जा रहा है निहत्ता भाई भाई भाई, उसकी तो कमर में मुक्का मार के बैठा दिया उसे भाई, यहाँ तो बहुत ज्यादा प्लेयर उतर गए, सेंसर्स भी एक्टिवेट हो गए हैं। नोटिस करो एकदम प्यार से धीरे धीरे टीपी भी लेके आगे फॉरवर्ड जा रहा है, एकदम भाग के नहीं जा रहा, पांच दोस्त सामने प्लेयर देखो उसने नॉक किया, नाइस एक और प्लेयर आया, ओ
ये हेडशॉट थोड़ा गलत था दोस्त, ये हेडशॉट थोड़ा गलत था। पता नहीं अब ये एम असिस्ट की ताकत बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन उसका टकला हुआ था नहीं जब उसका हेडशॉट पड़ गया वहां। उसने रास्ता ब्लॉक करा हुआ है क्या, ये ऐसे रास्ता ही ब्लॉक होता है? वाओ ये सब तो टेक्निक मेरे को पता ही नहीं थी, ये तो कुछ नई निंजा टेक्निक है दोस्त जो हमको पता नहीं है अभी तक। ए वो रहा, उससे भी ग्रेनेड फेंक दिया। अरे यार जा तो सकता है ऊपर चला गया ये। अरे वो रहा सामने डीपीएस लेके नहीं मार पाया भाई, उसका टीममेट है भाई साहब। ये दोनों तो बहुत गंदा वन मीट उठाए, बहुत गंदा वन मीट। वो डीपीएस वाला कैसे मर गया पता नहीं भाई। सामने से प्लेयर आने वाला लग रहा है मेरे को, फुल फीलिंग आ रही है। सामने प्लेयर आया वन यू वन भाई, यूएमपी के अगेंस्ट जीतना मुश्किल ही नामुमकिन है दोस्त, बहुत बाप करने हैं। उसका टीममेट वहां से भाई अपनी सस्ती सी गन चला रहा है, उसको भी नॉक कर दिया, स्कैम हो गया उसको तो। उसको लग रहा था ये ऊपर जाएगा बट ये आधे रास्ते में घूम के नीचे आ गया। अच्छा है आईक्यू गेम प्ले हो रहा है इसमें आगे, उसका टीममेट ही होगा ये भी, बहुत लो है वैसे। नॉक कैसे नहीं हुआ यार, कितना डैमेज खाएगा? अरे वो दिख तो रहा है वहां पे हल्का सा ग्लिच के थ्रू, लेकिन वो गोली लगी ही नहीं उसे, फुल लेफ्ट से आना पड़ेगा। अरे वो दिखाओ, चुपचाप कमरे के अंदर बैठ के हेल्थ वगैरह मारो ना, खुले में आके क्या स्कैम कर रहे हो तुम? वो क्या पर अभी टीवी भी ले रहा, सामने बंदा नीचे था भाई, इसमें रश होने वाला है। अरे भाई साहब एक प्लेयर ड्रॉप किया, उसने ड्रॉप शॉट मारा, दूसरा दोनों मर गए, ये तो बहुत ही गंदे बंदे। अरे भाई साहब पैराशूट से उड़ा देगा भाई ये तो। अरे अरे स्कैम वा वैसे दो प्लेयर भाई अपार्टमेंट वाले बहुत गंदे मरे यार, वो ड्रॉप शॉट बहुत अच्छा था इसका। ओके सामने प्लेयर भाग के आ रहा है, दो प्लेयर आ रहे हैं, नहीं ये तो एक तो शायद वन ई वन कर रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं भाई, ये क्या स्कैम था थोड़ा सा। अरे अरे उसके टीममेट को ले गया वो, बाहर आया एकदम सरप्राइज तरीके से, निकलता हुआ गोली चलाता हुआ। वो एक्सपेरिमेंट दोनों को ले जाता है वैसे तो, बट उसका ये एम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। M249 लेके बंदा आ रहा है, एक प्लेयर नॉक, लेफ्ट से उसका टीममेट आने वाला है शायद, वन ई वन में इसको भी बैठाया चुपचाप। एक प्लेयर सामने दिखा, एक तीसरा है, इसका टीममेट ही है, इनको बचाने के लिए आ रहा है, फुल हीरो गिरी करने के लिए आ रहा है। वो कह रहा है मैं बचाऊंगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो दोस्तों। ओए इसको बॉडी ब्लॉक कर रहा है एनिमी, देख रहा हूं बॉडी ब्लॉक कर रहा है जिससे हिल ना पाए। हां स्मार्ट है भाई प्लेयर, वो उसको पता है बॉडी ब्लॉक हो जाएगा तो अटक जाएगा वो, जिगल विगल कर नहीं पाएगा ज्यादा, यू नो बड़ा डेंजरस एनिमी है भाई। फुल ट्राई हार्ड उसने कहा भाई मर जाऊंगा लेकिन अपने टीममेट को फुल सपोर्ट करूंगा। भाई इसको बहुत कीड़ा है भाई ग्रीन वाले को मरने का, बता रहा हूं मैं, ये जबरदस्ती मरने आ रहा है। अबे लेफ्ट से निकल के, अबे ये लेफ्ट में नहीं था, ये घूम के इधर आ गया। ओ भाई इतने सारे फ्री किल्स, इतने सारे किल्स, किल्सी किल्स, किल्सी किल्स, किल्सी किल्स, इतने सारे किल्स। अरे भाई साहब स्कैम, इसको भी किल कर दिया था भाई किसी ने यहाँ पे। एक सेकंड, ये जिंदा कैसे, ये जिंदा कैसे कैप गैंग मेरे को नहीं पता है कैसे तो जिंदा है भाई, पता नहीं दोस्त कैसे जिंदा है। वो शॉटगन तो दोनों को लगी यार, आगे इसका टीममेट आउट हो गया, ये बच गया, एचपी इस पे नहीं थी और इसका टीममेट गया। गलत स्कैम भाई, देखिए यहाँ पे जा रहा है एकेएम लेकर के, साथ में M762 भी है। अच्छा ऊपर से एंगल बनाने का ट्राई करेगा शायद ही नीचे ना, फ्री का किल। अरे अरे प्लेयर नीचे कूदा, सामने दो प्लेयर कूदे, एक प्लेयर आया उसको नॉक किया, उसका टीममेट भी है, प्री फायर मार रहा है M416 से। ओके वो पीछे से आएगा शायद से घूम कर, कुछ कह नहीं सकते क्या कर रहे हो, पीछे ही भाग रहा है वो, पीछे से ही गेम कर रहा है, उसके टीममेट ने उड़ा दिया दूसरे से तो उड़ देंगे। बट पांच उंगलियों के अंदर तुम्हारे को बहुत सारी स्पेशलिटी मिल जाती है, लाइक तुम एक्चुअली क्राउच करने के लिए ना डेडिकेटेड बटन बना सकते हो, तो वो एक अच्छी चीज रहती है इसमें, यू नो। ओके टीम कोड, सॉरी टीम कोड कह रहा हूँ, लेआउट कोड देख लो भाई काम आ जाएगा तुम्हारे। एम असिस्ट इनेबल्ड है, ओके पैरास्कोप के साथ खेलते हैं ये भैया जी हमारे। ओहो एक्सट्रीम पे क्लासिक कलर्स, क्लासिक ग्राफिक्स, ब्राइटनेस इसने 110 कर रखी है, ये थोड़ा देख लेना क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर 150 फुल ब्राइटनेस पे खेलते हैं मैक्सिमम, तो ब्राइटनेस तो मैं हाई रिकमेंड करता हूँ। सेंसिटिविटी यहाँ पे तुम देख सकते हो, देखो अब ये
फोन टू फोन डिफरेंट होने वाली है, बट फाइव फिंगर तुम्हें खेलना है तो तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा भाई कैसा फाइव फिंगर खेलना है तुम्हें, समझ रहे हो। गायरोस्कोप देख लो तो उसकी थोड़ी सेंसिटिविटी ऑन द लोअर साइड है, ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी पे नहीं खेल रहा है ये, 400 400 नहीं है लोग, 300 280 के आसपास लगे ना, मीडियम के आसपास सेंसिटिविटी है जो कि सही है, रिफ्लेक्स अच्छे खासे भी लग जाते हैं इस पर। तो क्या भी ये तो तुम्हारे जेमो गेमिंग का वीडियो, मजा है सब्सक्राइब करना बिल्कुल नोटिफिकेशन बेल के साथ, एंड जाके जरूर जेमो गेमिंग को भी सपोर्ट करता। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या तुम फाइव फिंगर अप खेलोगे। पीस आउट। ओके डेगा नुबड़ा। एक्शन भाई। तो कड़े का नुबड़ा।